हम ये करके दिखा देंगे, हम ये बदल के दिखा देंगे, हम ये करके दिखा देंगे, पर उसके लिए ईंधन चाहिए, उसके लिए ऊर्जा चाहिए, उसके लिए फ्यूल चाहिए, वो कहाँ से आए? तो फ्यूल के अभाव में, साधना के शक्ति के अभाव में हमारे युवा भटक जाते हैं और कई बार आपसी झंझावात, आपसी लड़ाई, आपसी गुटबाजी और उसके बाद फिर राजनीतिक नेत्रबाजी चालू हो जाती है। तो कोई भी संगठन भटकाव की ओर जाता है तो उसका कारण यही है कि शक्ति का नियोजन सही नहीं तो नहीं हो पाता। शक्ति का नियोजन यदि सही करना है, सबसे पहले हमें युवाओं को साधक बनाना पड़ेगा। सबसे पहला जो मैंने क्रम बताया था, वो बताया था कि हमारा युवा हिमालय में, हिमालय की तरह से ऊंचा उठने वाला युवा होना चाहिए। हमारा युवा में वो बात होनी चाहिए जो युवा चेतना तुम हिमालय शिखर हो, जो हमारे काका जी जो गीत गाते हैं, हिमालय शिखर की ओर जाने वाले। दूसरा जो मैंने बताया था वो ये बताया था कि युवा कौन? युवा वो जो युग सृजन के लिए संकल्पित हो, नव निर्माण के लिए संकल्पित हो, युग निर्माण के लिए संकल्पित हो। बाकी उसके दिमाग में कोई बात नहीं आनी चाहिए, मेरा निर्माण, मेरा अपना खुद का कुछ हो, नहीं। जो भी कुछ होना है युग निर्माण, युग निर्माण में सबका निर्माण निहित है, परमार्थ है सच्चा स्वार्थ। यदि हम सारे विश्व का निर्माण करने की बात सोचेंगे, सारे जमाने को बदलने की, सारे जमाने की हवा को बदलने की बात सोचेंगे, तो उसमें हमारा स्वतः स्वयं का अपना निर्माण होता चला जाएगा। ये यदि आप मान के चलेंगे तो युवा वो है जो नव सृजन के लिए संकल्पित है।